गाइस व्हाट्सअप दुबई गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। दुबई आप सबको पता होगा क्रिप्टो कैपिटल माना जाता है, मतलब क्रिप्टो के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़ी व्हील्स होती है, एक्सचेंज के सीईओस होते हैं, सारे आपको दुबई के अंदर देखने मिलते हैं। क्रिप्टो के जो बड़े इवेंट्स होते हैं, चाहे रिसेंटली लास्ट मंथ क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट टोकन 2049 भी हमें दुबई के अंदर देखने मिला। तो इसी हिसाब से हर महीने दुबई के अंदर काफी क्रिप्टो रिलेटेड इवेंट्स भी होते रहते हैं। इसका मतलब ओवरऑल ये बन जाता है कि दुबई इज प्रो क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। और दुबई जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो नए जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, नई जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस आती है, जो सारे रूल्स, सिक्योरिटी मेजर्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, उनको दुबई गवर्नमेंट लाइसेंस भी देती है, राइट। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आते हैं, तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर एक बड़ा चेंज किया गया है, जिसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। साथ में टोकन 2049 जो क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा इवेंट रिसेंटली लास्ट मंथ दुबई के अंदर हुआ, उस पूरे इवेंट को जिस एक्सचेंज ने स्पॉन्सर किया और जिस एक्सचेंज ने दुबई और यूएई दोनों गवर्नमेंट से लाइसेंस सिक्योर किया, वैसी M2 एक्सचेंज के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। किस हिसाब से दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट एक्सचेंज में से है और किस हिसाब से आप यहाँ पे चाहे स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, आप यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट के द्वारा, यूएई गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड एक्सचेंज के अंदर आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बिकॉज हम सब लोग जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बन जाती है, हम सब लोग देखिए यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया या जिस पैसे से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिस फंड से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नंबर वन प्रायोरिटी बन जाती है, राइट। तो इसी चीज के रिलेटेड आज के वीडियो में पूरा डिस्कशन रहने वाला है। पूरा वीडियो देखिए, सारी चीजों को समझिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हर रोज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ, अगर आपको पसंद आती है, कुछ ना कुछ नई चीजें जानने मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में हर रोज कोई नई चीज आती है जो हम यहाँ पे जान सकते हैं, जिससे एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डायरेक्टली चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दुबई गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो करेंसीज रिलेटेड क्या मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं, क्या मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चेंज किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दुबई फाइनेंशियल सर्विस ऑथोरिटी DFSA अपडेट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द क्रिप्टो टोकन्स। मतलब मार्केट के अंदर जो भी नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आते हैं या फिर टोकन्स आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या बोलता है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो दुबई फाइनेंशियल सर्विस Authority DFSA announced amendments to its crypto token regime on Monday, enhancing the regulatory environment for crypto tokens in the Dubai International Financial Center, right? A special economic zone. यहाँ पे इन लोगों ने travel rule, right? Transactions monitoring and recognition criteria for the fiat crypto tokens, right? तो जो यहाँ पे International Organizations of Security Commission है and the Basel Committee है, उसके साथ यहाँ पे मिलकर इन लोगों ने यहाँ पे क्रिप्टो टोकन्स के लिए एक नया रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया है, जिसके बारे में आप देख सकते हो। एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक फंड्स इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो टोकन्स, राइट। देखिए, दे एक्सप्रेस द व्यू दैट द करंट रेगुलेटरी अप्रोच वाज टू स्ट्रिंजेंट, स्पेशली द लिमिटेशंस ऑन एक्सटर्नल फंड्स। मतलब दुबई में क्या हो रहा था कि बाहर से जो क्रिप्टो के अंदर फंड्स आ रहे हैं किसी दूसरे देश से, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, द अप्रोच वॉज टू स्ट्रिंजेंट, मतलब काफी नेरो अप्रोच था। बट ये लोग अब यहाँ पे एक वाइड अप्रोच के लिए काम करने जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड फॉरेन फंड्स इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो टोकन्स एंड फॉर सम द रेस्ट्रिक्शंस और इन्वेस्टिंग इन रिकॉग्नाइज क्रिप्टो टोकन्स ओनली। तो ये लोग अब और क्रिप्टो को दुबई के अंदर आगे ले जाना चाहते हैं, राइट। टोकन रिकॉग्निशन फीस एंड स्टेबल कॉइन क्राइटेरिया, तो काफी नई चीजें यहाँ पे देखने मिली है। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आया जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, एट द DFSA जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एसोसिएशन है, वी हैव टेकन अ बैलेंस अप्रोच, राइट। सिक्योरिटी एज वेल एज ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर आए, अप्रोच इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस रेजीम एंड रिमेन कमिटेड टू इवॉल्विंग इन लाइन विद द ग्लोबल राइट। दुनिया के बाकी जो कंट्रीज है, जो मेजर कंट्रीज है जैसे यूएसए, यूरोप, यूके राइट, ये कंट्रीज जिस हिसाब से यहाँ पे क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशंस ला रही है उसको भी फॉलो किया जाएगा, एज वेल एज क्रिप्टो को और आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो बड़ी व्हील्स होती है, बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं, बड़ी एक्सचेंजेस के सीईओस होते हैं, वो अपना बिजनेस दुबई के अंदर विदाउट एनी टेंशन एस्टेब्लिश कर पाए। अब साथ में जो AGDM है, मतलब UAE यूनाइटेड अरब अमीरात राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो M2 करके एक एक्सचेंज है, सिक्योर्स ADGM लाइसेंस एंड प्लान्स रोल आउट ऑफ फुल्ली रेगुलेटेड क्रिप्टो सर्विसेज टू द UAE रेजिडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस राइट। तो हमारे पास भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि इफ वी वांट अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट, जो यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट के द्वारा जो लाइसेंस मिला हुआ है जिस एक्सचेंज को, तो उसमें हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए M2 इज लाइसेंस बाय FSRA एंड ADGM has been recognized as a fully regulated multilateral trading facility right। यहाँ पे आप spot trading, future trading दोनों कर सकते हो and custodian and is now able to onboard UAE residents and the institutional clients to the M2 platform। यहाँ पे आप देखिए Phoenix जो एक बहुत बड़ा mining firm है वो यहाँ पे उसके और वर्टिकल्स के अंदर देखिए, उसके वर्टिकल में यहाँ पे M2 एक्सचेंज आ रहा है, सपोर्टेड बाय UAE गवर्नमेंट, लाइसेंस्ड बाय UAE गवर्नमेंट। साथ में आप देखो अबाउट M2 इज एन अबू धाबी बेस्ड रेगुलेटेड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द इंडस्ट्री लीडिंग एक्सपर्ट्स टू ऑफर एसर्टिव इन्वेस्टर रियल रिटर्न्स अप टू 10.5% ऑन BTC राइट। तो अगर आप यहाँ पे स्टेकिंग करना चाहते हो वो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। साथ में M2 डिफरेंट क्यों है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हो। जितने भी लोग हमारी लिंक से राइट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उस लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा। क्या बोनस मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये काम जरूर करना है कि नीचे जो लिंक मिलती है उससे आप रजिस्टर करो, जिससे आपको यहाँ पे M2 एक्सचेंज का एक्सेस मिल जाएगा राइट। दुबई गवर्नमेंट, अबू धाबी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लाइसेंस्ड है। साथ में अबाउट MMX देखिए, इनका खुद का टोकन, नेटिव टोकन भी है जिसको होल्ड करके भी आप यहाँ पे काफी अर्निंग कर सकते हो, अपने डिपॉजिट को बूस्ट कर सकते हो, एट्रैक्टिव यील्ड यहाँ पे मिल जाती है राइट। उसके बारे में इट इज ए डिफ्लेशनरी टोकन, बर्न मैकेनिज्म भी यहाँ पे काम करता है। साथ में कमिटमेंट टू सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज जो बड़ी बड़ी यहाँ पे फर्म्स होती है उसके द्वारा यहाँ पे ऑडिट किया गया है, साथ में गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लाइसेंस्ड है। देखिए इनके बारे में और डिटेल्स आप देख सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। दे आर ऑफरिंग अ ट्रेडिंग इकोसिस्टम, स्पॉट ट्रेडिंग, ऑर्डर बुक, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, OTC ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, इंस्टेंट बाय सेल एज वेल एज मार्जिन ट्रेडिंग राइट। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। M2 की वेबसाइट पे हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए वेलकम बोनस, अगर नीचे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है उससे अगर आप रजिस्टर करते हो तो 260 USDT आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं राइट। इस हिसाब से रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप वहाँ पे सिर्फ साइन अप करते हो, अपना KYC करते हो तो देखिए अनलॉक 100 USDT ट्रेडिंग फी कूपन, 100 USDT का कूपन आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हो, देखिए डिपॉजिट एटलीस्ट $50 का, तो यहाँ पे आपको 60 USDT का बोनस मिलेगा। साथ में अगर आप M2 ऑन प्लान जो इनका स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है उसको अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो, 50 USDT वहाँ पे ऑन पे लगाते हो तो आपको और 100 USDT का ट्रेडिंग फी कूपन आपको मिल सकता है राइट। तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप ग्रैब कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखिए बूस्ट योर क्रिप्टो पोर्टफोलियो राइट, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको चेक करने मिल जाएगी। आप यहाँ पे इजीली अर्निंग भी कर सकते हो अप टू APY 9%। बाकी हाई यील्ड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, देखिए मैक्सिमाइज योर अर्निंग्स ऑन M2 राइट। इन्वेस्ट इन ओवर 40 वेरीफाइड क्रिप्टो एसेट्स, जो अच्छे अच्छे कॉइन्स है वही कॉइन्स आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर M2 के अंदर देखने मिलेंगे। बाकी जैसे ही एक बार आप लॉगिन यहाँ पे कर लेते हो, रजिस्टर करने के बाद, KYC करने के बाद, तो आपको इस हिसाब का कुछ यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखने मिल जाएगा, जहाँ पे आप ऑन फीचर के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे आप USDT को अप टू 10% APY, सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने मिल जाएगी। जैसे फिक्स प्लान्स के अंदर, फ्लेक्सिबल प्लान्स के अंदर भी है। आप यहाँ पे 4% APY, 3.5% APY कन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट, जो आप स्वैप करते हो। बाकी यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्पॉट में कोई भी कॉइन, काफ़ी सारे यहाँ पे कॉइन्स अवेलेबल है जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जिसका यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है, जहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। उसके अंदर भी काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस देखने मिल जाए। इनका खुद का टोकन जो MMX है, राइट, देखिए एलिवेट योर M2 एक्सपीरियंस विथ MMX। तो इसके अंदर अगर आप MMX को बाई करके रखते हो, इनका जो टोकन है, तब भी आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। जैसे अप टू 10.5% ऑन BTC एंड ETH, M2 के प्रॉफिट्स 10% एलोकेशन। M2 जितना प्रॉफिट यहाँ पे करता है उसका 10% इज डिवाइडेड एमॉन्ग्स द M2 टोकन होल्डर्स, राइट। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है, साथ में प्रिविलेज्ड एक्सेस भी आपको मिलता है। क्या क्या बेनिफिट है? MMX इकोसिस्टम, यूज केसेस एज वेल एज M2 ऑन, राइट। M2 पे आप अर्निंग पे यहाँ पे 10.5% ऑन APY BTC पे आपको यहाँ पे मिल सकता है। बाकी MMX की बर्निंग होगी जिससे इसका सप्लाई कम होगा, तो उससे अगर डिमांड बढ़ती है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ M2 एक्सचेंज, राइट, बिकॉज जैसे बाइनेंस के लिए BNB है, उसी हिसाब से यहाँ पे M2 के लिए MMX बन जाता है। बाकी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, इनका टोकोनॉमिक्स चेक कर सकते हो, बाकी और डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है उससे आप यहाँ पे M2 एक्सचेंज पर रजिस्टर कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे बोनस मिल रहा है, इस बोनस को यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अच्छे से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो फ्यूचर ट्रेडिंग, बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड बाय द अबू धाबी गवर्नमेंट, इट इज़ लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट। बाकी दोस्तों, दुबई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मेजर न्यूज़ आ रही थी, मेजर अपडेट्स आ रही थी, जिन एक्सचेंज को यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी यूजफुल रहेंगी, बिकॉज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज़ मस्ट। बाकी अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।